देखो आने वाले टाइम में इंटायर पॉप कल्चर को 360 डिग्री में चेंज करते हुए आइकॉनिक शक्तिमान क्रिश फोर अश्वत्थामा जैसे जायंट मैग्नो पर सुपर हीरो मूवीज अपने हैंडसम बजट और जॉ ड्रॉपिंग विजुअल्स के साथ ये इवेंट मूवीज मार्वल डीसी की बजाने के लिए रेडी है। बट इंडियन पॉप कल्चर के अंदर कुछ ऐसे भी लेजेंड सुपर हीरो मूवीज कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं जो एक सुपर स्मैश नॉस्टैल्जिया को जिंदा कर देने वाला सीक्वल डिजर्व करते हैं। मैं वो नहीं जो दिखता हूँ, जो मैं करता हूँ वही मेरी पहचान है। लिस्ट पे नंबर 5 पे है मिन्नल मुरली। 2021 की बासिल जोसेफ के डायरेक्शन में बनी मिन्नल मुरली एक कल्ट क्लासिक परफेक्ट सुपर हीरो मूवी कैसी होती है उसका एक माइंड ब्लास्टिंग एग्जांपल है, जहां इस ओपी सुपर हीरो ओरिजिन मूवी के अंदर नर्डी सुपर हीरो और सुपर विलन की सेम सुपर पावर्स होती है और यही वो भौकाल से भरा एक्स फैक्टर है जो मिन्नल मुरली को एक ऑर्डिनरी सुपर हीरो मूवी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर हीरो मूवी बनाता है। क्योंकि हर ढक्कन सुपर हीरो ओरिजिन मूवी की तरह स्ट्रगल इमोशन बैक स्टोरी से भरी इस सुपर हीरो मूवी की स्टोरी है। बट एक पावरफुल सुपर हीरो मूवी होने के बावजूद मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी ग्राउंडेड और रियलिस्टिक है, यानी मूवी के डिटेल्स लॉजिक को देख के एक टाइम पे तुम्हें ऐसा फील होगा क्या ये फ्रीकिंग कॉमिक बुक का अडॉप्टेशन है। और अपने विलेज का लेजेंड सुपर हीरो मिन्नल मुरली पार्ट 2 में इतने बड़े गॉडज़िला लेवल के सुपर हीरो के साथ कम्पीट करेगा और इस सीक्वल में कितने बड़े लेवल के थ्रेट्स होंगे, इस क्योटिक चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए मेकर्स को मिन्नल मुरली का एक कड़क सीक्वल बनाना चाहिए। आगे लिस्ट पे नंबर 4 पे है 2011 की रावण। इसमें किसी को 5 पैसे का भी डाउट नहीं होना चाहिए, शाहरुख खान की अल्ट्रा सुपर हीरो मूवी रावण इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वो रेयर इंसेंस सुपर हीरो मूवी है जो वक्त से पहले जब इंडिया के पॉप कल्चर के अंदर नर्ड कम्युनिटी दूर दूर तक भी एग्जिस्ट नहीं करते थे उस टाइम पर ये मूवी रिलीज हुई थी, जिसके वीक स्टोरी का भद्दा मजाक उड़ाया गया था। अब देखो मैं औकात से बाहर की बात बोलने जा रहा हूँ तो बहुतों को ब्रूटली बुरा लग सकता है, बट रावण के क्वालिटी कंटेंट को इंटरनेशनल फिल्मों के साथ कम्पीट किया जाए तो डीसी की अंडररेटेड स्नाइडर मार्वल की जैन अवेंजर्स और रूसो ब्रदर्स की मूवीज को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे मार्वल डीसी बीसी वेनम गेनम सुपर हीरो मूवीज एटलीस्ट स्टोरी टेलिंग के मामले में रावण के आसपास भी नहीं भटकते और विजुअली भी रावण आज के डेट में भी हेड टू हेड टक्कर दे रही है। अब देखो ये कड़ी भी बात हजम नहीं हुई तो ब्रह्मास्त्र भी एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है, जिसकी सुपर इडियोटिक स्टोरी से रावण की स्टोरी 10 गुना ज्यादा बेटर है और क्वालिटी विजुअल्स की तो बात ही क्या करूं। जिस मूवी की इपिक विजुअल्स के चर्चे 12 साल बाद भी हो रही है तो इससे तुम एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हो कि आज के डेट में इस कल्ट क्लासिक मूवी ने अपने क्वालिटी कंटेंट से किस लेवल का बेंचमार्क सेट किया है और यही फ्रीकिंग रीजन है जिस वजह से पब्लिक आज के डेट में रावण की अल्टीमेट सीक्वल की डिमांड कर रही है। आगे लिस्ट पे नंबर 3 पे है 2005 की अपरिचित। अब देखो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी नर्डी बंदा इस मूवी का सैवेज अपरिचित का यमराज जैसा कैरेक्टर को आर रेटेड एक्शन करते हुए देखेगा वो डेफिनेटली इस डेडली कैरेक्टर को एक एंटी सुपर हीरो मानेगा जो एक छोटी सी गलती से होने वाले बड़े डोमिनो इफेक्ट को रोकने के लिए छोटी से छोटी गलती करने वाले को गरुड़ पुराण का पनिशर बनते हुए सभी को मौत के घाट उतारता है, फिर चाहे वो नर हो या नारी, मिनिस्टर हो या भिखारी, इस ब्रूटल एंटी सुपर हीरो के लिए सभी एक समान है। और विजयनरी शंकर ने ऑडियंस को पंप करते हुए जिस तरीके से अपरिचित को हार्ट बीट बढ़ा देने वाले क्लिफहैंगर के ऊपर एंड किया है, अपरिचित का वो एंडिंग क्लिफहैंगर इतना तगड़ा है लिटरली उसे देखने के बाद अंदर से जोरों से चीखे निकलते हैं कि मुझे जानना है कि ये ब्लडी अपरिचित इस तरीके से आगे मौत का तांडव करेगा। और मैं कह रहा हूँ विजयनरी शंकर अगर इस मूवी के सीक्वल को 2025 या 30 में भी विक्रम के साथ आइकॉनिक अपरिचित का सीक्वल बनाते हैं तब लिटरली अपरिचित के इस आर रेटेड कंटेंट को देखने के लिए पूरे मोहल्ले के साथ थिएटर में जाऊंगा। अगले लिस्ट पे नंबर 2 पे है 2018 की भावेश जोशी। जेन्युइनली रिस्पेक्ट देते हुए इस आइकॉनिक सुपर हीरो कैरेक्टर और मूवी को सस्ता बैटमैन कहने की गुस्ताखी या जरूरत नहीं करने वाला मैं। भले ही बॉक्स ऑफिस पर ये सुपर मूवी हनी ट्रैप का शिकार होते हुए अश्लीलता से हार गई, बट मेकर्स ने भावेश जोशी को जितने आयरोनिकली ग्राउंडेड रियलिस्टिक टच देते हुए इस सुपर हीरो मूवी को बनाया है उस वजह से भावेश जोशी इंडिया की नर्ड कम्युनिटी का एक बहुत ही बड़ा इमोशन बन चुका है। और जितने थंडरस क्लासिक इस मूवी की एंडिंग है उस एक्स फैक्टर की वजह से ही ये मूवी आज के डेट में एक लेजेंड बनी है। आई होप इस फिल्म के मेकर्स इस सुपर हीरो मूवी को सेकंड गोल्डन चांस देते हुए इसका सीक्वल बनाएं, क्योंकि 10 साल बाद भी अगर भावेश जोशी सुपर हीरो मूवी का सीक्वल आता है तब नर्स किसी भी सिचुएशन में इसका सीक्वल मिस नहीं करेंगे। आई मीन इतना तो क्रेजी फैंडम बन चुका है इस कैरेक्टर का।
फाइनली लिस्ट की नंबर वन मूवी है 2022 की अटैक। आई नो जॉनी ब्रेम का बेबी बॉम्ब सुपर सोल्जर वाली सुपर हीरो मूवी किसी भी एंगल से परफेक्ट नहीं है, बट इस बात को मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ। इस एक्सपेरिमेंटल सुपर हीरो मूवी का प्लॉट, विजन, स्टोरी जितनी रियलिस्टिक लॉजिकल वे में मूवी के अंदर सुपर हीरो गिरी दिखाई गई है, लिटरली वो बॉम्ब्लास्टिक चीज बिग बजट सुपर हीरो मूवीज के अंदर भी हमें देखने को नहीं मिलता। और इसीलिए अटैक सुपर हीरो मूवी एक सीक्वल डिजर्व करती है, जिसका ऑफिशियल रेफरेंस मूवी के एंड में भी हमें दिखता है। तो ये थे इंडिया के पॉप कल्चर के 5 कल्ट क्लासिक इंडियन सुपर हीरो मूवीज, जो अंडररेटेड के टैग को ब्लॉकबस्टर के अंदर कन्वर्ट करने का कैलिबर रखते हैं। वैसे तुम्हारे हिसाब से किस सुपर हीरो मूवी का सीक्वल बनना चाहिए, पर अपने नॉस्टैल्जिया से भरे ओपिनियंस कमेंट करके बता सकते हो। तब तक जीबीएस का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कॉन्टेंट के साथ। गुड बाय। और इस नए होमलैंडर से मिलकर सबको बहुत खुशी होगी।